हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी कॉलेज के लिए ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज लाना होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ट्रिपल आईटी कॉलेज में जाना चाहते हैं और उनके माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि भाई ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज लाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, आईएससी बोर्ड में हो या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड में हो, तो बेटा जो परसेंटेज का क्राइटेरिया बेटा वो सभी बच्चों के लिए सेम रहता है। तो बेटा सबसे पहले आपको समझना होगा कि बेटा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो बेटा आपको लाना होगा 75%। तो ध्यान रखिएगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, इस कैटेगरी के बच्चों को लाना होगा 75%। लेकिन बेटा अगर आप एससी से हो या एसटी से हो, तो बेटा आपको लाना होगा इन कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ बेटा 65%। मीन 65% पर भी आपको ट्रिपल आईटीज के जो कॉलेज हैं वो मिल जाएंगे। तो बेटा ऑल कैटेगरीज को बेटा हमने कवर कर दिया है। और बेटा जो भी बच्चे कानपुर में आईआईटी की कोचिंग सर्च कर रहे हैं, वो बेटा आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे आईआईटी की जो तैयारी है बेटा बहुत अच्छे से करवाई जाती है। और बेटा अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।